अमानत ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे जरार सुनहरा को अपनी जिंदगी में शामिल करने के बाद भी मेहर को अपने दिल से निकाल ही नहीं पाया। बार बार उसे मेहर का ही ख्याल आता है। जरार को इस कदर सोचों में गुम देखकर सुनहरा जरार से पूछती है, जरार किसके बारे में सोच रहे हो? जरार कहता है, कुछ खास नहीं, बस सुनहरा मेरी यही कोशिश होगी कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में खुश रख सकूं। जो तकलीफें मेरे भाई ने तुम्हें पहुंचाई हैं, हम सब मिलकर भी तुम्हारी इस तकलीफ को कम नहीं कर सकते। हमें तो इस बात का यकीन था कि जिनेद कभी भी तुम्हारे साथ इस तरह का रवैया नहीं रखेगा, तुम्हें इस घर में रहते हुए कोई भी तकलीफ नहीं पहुँचा पाएगा। सुनहरा कहती है, जरार मुझे तुम पर ही तो यकीन है, इसीलिए तो मैं तुम्हारी जिंदगी में शामिल होगी। जुनेद की मेरी जिंदगी में आने के बाद भी मैं तुम्हें अपने दिल से निकाल ही नहीं पाई थी। ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि माजी में हम दोनों एक दूसरे से किस कदर मोहब्बत करते थे, लेकिन मेहर जिस तरह से तुम्हारी जिंदगी में आई, इसके बाद मुझे यही लगा कि मैंने हमेशा के लिए तुम्हें खो दिया है, लेकिन अब दोबारा से तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूं। मित्रों, अगर बात करें जरार की वालदा की, जो अपने शोहर से कहती है शुक्र है जरार ने सुनहरा को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, अगर वो सुनहरा से शादी न करता तो सुनहरा किसी हाल में भी समरा का घर बर्बाद कर सकती थी। सुनहरा को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो अपनी खुशी की खातिर किसी का भी घर बात कर सकती है। हमें जरार को ये समझाना पड़ेगा कि वो शुरुआत से ही जुनैरा के साथ अच्छा रवैया रखे, क्योंकि जुनैरा जैसी लड़की किसी भी वक्त कोई भी हंगामा खड़ा कर सकती है। अमानत ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।